कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल क्लैशिंग विद सुनील। तो यार मैंने कल की वीडियो में बोला था कि मैं कल आपको वॉर मोड के बारे में कुछ बातें बताऊंगा एंड साथ ही मैं आपको गेम प्ले बताऊंगा। तो यार फाइनली इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वॉर मोड के कुछ रूल्स के बारे में एंड साथ ही वॉर मोड का गेम प्ले चल ही रहा है। तो चलिए यार ये वाली वीडियो शुरू करते हैं एक बार। तो यार सबसे पहले हम पबजी प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि यार हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्केड मोड में एक अलग ही ऐसा मोड ऐड हो जाए जिसमें कि बंदे ज़्यादा जल्दी मिल सके और ज़्यादा किल्स हो जाए। क्योंकि यार पबजी के क्लासिक मोड में गेम तो अच्छा है बट उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती है, गेम काफ़ी बोरिंग लगता है क्योंकि बंदों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड आर्केड के कुछ मोड्स ऐसे थे जिनमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, बंदों को फिर भी काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता था, कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता था। कुल मिला के हम सभी वेट कर रहे थे एक ऐसे मोड का जिसमें बंदे जल्दी मिल सके एंड थोड़ा बहुत वो बैलेंस हो। तो यार फाइनली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको मिले एक आर्केड मोड के अंदर एक वॉर मोड, काफ़ी टाइम से इसकी चर्चे हो रहे थे। तो फाइनली पबजी ने अपडेट कर दिया है वॉर मोड अपने 0.7.4 अपडेट में एंड फाइनली वॉर मोड लॉन्च हो चुका है अपने पबजी गेम में। तो यार ये जो वॉर मोड नाम की चीज़ अपने पबजी में आई है, मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको आर्केड मोड सेलेक्ट करना पड़ता होगा एंड साथ में उसके अंदर पहले आपको तीन ऑप्शन मिला करते थे, तीन मोड हुआ करते थे, बट अब उसमें वॉर मोड भी ऐड कर दिया है। तो यार दिन काफ़ी कम लोगों को पता है बट मैं बता देता हूँ कि जो वॉर मोड है ये हफ्ते में 3 या 4 दिन अवेलेबल होगा अकॉर्डिंग टू US स्टैंडर्ड्स। US अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को हफ्ते में 3 या 4 दिन ही अपने को गेम खेलने को मिलेगा। हो सकता है इन फ्यूचर ये गेम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। एंड आज फाइनली वो वाला दिन है तो मैं आपको उन दिनों के बारे में अलग से कम्युनिटी टैब में बता दूंगा, बट अभी तो ये वॉर मोड की बात कर लेते हैं। तो वॉर मोड आप सेलेक्ट करके गेम स्टार्ट करते हो तो क्या होगा कि आप एरोप्लेन से, सबसे इसकी अच्छी चीज़ है कि गेम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप एरोप्लेन से जंप करते हो तो आप आराम से 3 या 4 सेकंड में बिल्कुल ज़मीन पे लैंड कर सकते हो। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि यार ज़मीन पे लैंड होने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप देख सकते हो, जब आप कूदते हो तो आपके साथ में गन होती है एंड इस गन के भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 या 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है असॉल्ट राइफल वाला मोड और एक होता है स्नाइपर वाला जिसमें आपको मिलती हैं ये कार 98 एंड बाकी स्नाइपर्स आपको साथ में मिलती हैं। आपको अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से स्कोप प्रोवाइडेड होता है तो आपको स्कोप के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, आपके पास ओनली एक गन होती है चाहे वो कोई असॉल्ट राइफल हो या फिर कार 98। अगर आपके पास असॉल्ट राइफल है तो सामने वाले बंदों के पास भी असॉल्ट होगी, अगर आपके पास कार 98 है तो अगले वालों के पास भी कार 98 होगी। एंड इस गेम में ऐसा कुछ होता है कि आपके जो गेम का जो एरिया होता है इसके अंदर हर 30 सेकंड्स के अंदर एक ड्रॉप गिरता है एंड जो उस ड्रॉप को लूटने की कोशिश करता है उस ड्रॉप के अंदर कुछ होती है हट की चीज़, मतलब जो बंदों के पास नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर गेम चल रहा है आपका स्नाइपर वाला तो ग्रोजा आपको मिल जाएगी या फिर AUG मिल जाएगी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एंड साथ ही आपको कुछ प्रोवाइडेड होती है कुछ बैंडेज जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो एनिमीज से। एंड ये जो वॉर मोड अपने पबजी में आया है इसके अंदर आपके साथ 20 प्लेयर्स एक टाइम एक गेम के अंदर उतरते हैं एंड अगर आप मर जाते हो तो आप अपने आप रिस्पॉन हो जाते हो। एंड ये जो मोड है ये आप अपने टीम्स के साथ भी खेल सकते हो, स्क्वाड्स के साथ भी खेल सकते हो, ड्यूओ में भी खेल सकते हो, सोलो में भी खेल सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा सोलो में खेलना क्योंकि इसके अंदर टीम वर्क बिल्कुल भी काम नहीं आता क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है एंड बहुत हड़बड़ी में ये गेम खेलना पड़ता है। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपनी टीम रैंकिंग होती है, अगर 20 बंदे उतरे हैं तो आपके साथ 20 टीम्स काउंट होंगी, अगर आप डियो में गए हो तो 10 टीम्स काउंट होगी। और आप देख सकते हो आपकी टीम का जो ऊपर एक स्कोर होता है, आपकी टीम का अलग से एक स्कोर दिख रहा है, एक रैंक भी दिख रही है और एक रेटिंग दिख रही है। 40 में से जो रेटिंग जल्दी कंप्लीट कर लेता है वो इस गेम का विनर होता है। डियो के लिए ये रैंकिंग आई थिंक 60 होती है बट सोलो के लिए 40 होती है। जो बंदा 40 पॉइंट्स पहले कंप्लीट कर लेता है तो उस टाइम गेम ख़त्म हो जाता है एंड वो विनर हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि टाइम का कुछ रेशो होता है, आप मतलब एक फिक्स टाइम होता है जिसके बाद वो विनर डिसाइड कर देते हैं एंड आपके ऊपर आपकी रैंकिंग दिखती है हर किल के हिसाब से, हेडशॉट की ज़्यादा रैंकिंग होती है, हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। तो ये है वॉर मोड के बारे में। तो यार वॉर मोड काफ़ी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप क्लैशिंग विद सुनील।